हेलो फ्रेंड्स। सो आप ये फिश फूड देख के समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक फिश फूड पे है। सो फर्दर ये है कि मैं आपको ये बताऊंगा मैं अपनी फिशेस को किस तरह से फीड करता हूँ और कौन कौन सा फूड स्पेसिफिकली आप अपने एक्वेरियम में यूज करें सो दैट आपकी हर फिश को प्रॉपर फूड मिले। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास कम्युनिटी टैंक है और इसमें ऑलमोस्ट सारी वैरायटीज़ हैं। एलगीटर्स हैं और इसमें बॉटम ड्यूलर्स भी हैं जो कि एलगी खाते हैं, तो हर तरह की फिश है इसमें। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से फूड देता हूँ अपनी फिशेस को, जो कि हर हर टाइप का फूड जो है वो कंप्लीट फूड होता है, मतलब हर फिशेस को मेरा जो फूड है वो पहुँचता है। पहले ये ऑप्टिमा का फूड है, मेरे को हॉबी में 10 साल हो चुके हैं, तो मैं फ्रॉम 10 ईयर्स मैं ये तो रेगुलर ही दे रहा हूँ अपने फिशेस को, तो मेरे को ये सबसे बेस्ट लगा। इसमें एक्चुअली ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो ये मेरा बेसिक फूड है। ये जो ऑप्टिमा है आप टेट्रा वेराइटीज़ को भी दे सकते हो, इनफैक्ट आप अपनी सिकलेट वेराइटीज़ को भी दे सकते हो, आप आपके पास गोल्ड फिश है गोल्ड फिश को भी आप दे सकते हो, एंजल्स को दे सकते हो, इट्स अ वाइड वेराइटी, आप किसी भी फिश को दे सकते हो। सेकेंड फूड जो आता है वो मैं ये टेट्रा बाइट्स भी बेसिकली आप दे सकते हैं, लेकिन मैं ये टोया बाइट्स देता हूँ। मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला कि टोया बाइट्स आप क्यों देते हो, बट मेरे को ये थोड़ा बेटर लगा और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो टेट्रा बाइट है वो एक तो कलर जो है पानी का उसको ख़राब कर देता, तो इसलिए मुझे वो पसंद नहीं है। और टोया बाइट्स में बेसिकली ये है कि इसमें जो इसका जो फूड है ये सिंक हो जाता है, इसके पायलट जो है बेसिकली ये सिंक हो जाते हैं, तो ये मुझे इसलिए ज़्यादा पसंद है। और मेरे जो बॉटम ड्यूलर्स हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं और मैं काफ़ी स्टार्टिंग से दे रहा हूँ एंड डिडंट फाइंड एनी प्रॉब्लम। सो ये टोया बाइट्स मैं अपने बॉटम ड्यूलर्स के लिए देता हूँ। नेक्स्ट केम टू दी फ्लेक फूड, तो ये फ्लेक फूड है। सो फ्लेक फूड भी मैं अपनी फिशेस को देता हूँ बिकॉज इट्स हाई इन प्रोटीन रहता है और ये कलर इन्हांसमेंट के लिए बहुत बेटर रहता है हमारी फिशेस के लिए, और ये हाई प्रोटीन रहता है तो यूजली मैं ये देता हूँ। इसके अलावा वी हैव ड्राई वॉर्म्स, जो मैं ड्राई वॉर्म्स देता हूँ अपने फिशेस को। दीज आर ड्राई वॉर्म्स, ये ड्राई वॉर्म्स मैं अपने फिशेस को देता हूँ। सो गाइज, ये मेरे पास जो दूसरा फूड है ये मेरे एलजी वेफर्स है, और ये एलजी वेफर्स जो है मेरी एलगी ईटर्स के लिए हैं। एंड मैं आपको सच बताऊं, ये वाला फूड जो बेसिकली वेफर्स है ये है तो एलजी वेफर्स, लेकिन मैंने इसको नोटिस किया है एवरी एवरी फिश इज इंजॉइंग दिस फूड। मैंने जब भी इस फूड को डालता हूँ एवरी एवरी फिश इज ऑन ऑन दिस फूड, वो इसको पिंच करती करती है जाके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हम फिशेस को कब कब फीड करें और कितना फीड करें। सो कब का बात करें तो आप मैक्सिमम जो फिश को 2 या मैक्सिमम 3 टाइम तक आप फीड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कौन सी वेराइटीज़ है। अगर आप रहे बात कम्युनिटी टैंक की बात करें और मेरे टैंक की बात करें, तो मैं दिन में एक ही बार फूड डोज करता हूँ जो कि मैं इवनिंग में करता हूँ। आपके पास कोई सिकलेट वेराइटी है या फिर आपके पास गोल्ड फिशेज हैं तो आप उनको दिन में 2 बार भी फीड कर सकते हैं। एंड नाउ वी कम टू दी क्वान्टिटी क्या होनी चाहिए। सो गाइज, वैसे जो थम रूल है वो यही है कि within 2 मिनट्स जितनी भी आपकी फिशेज हैं वो जितना फूड खा सकती हैं आप उतना फूड दें, बट स्टिल आई वॉन्ट से कि 2 मिनट आपको ऑब्जर्व करना है। कभी कभी क्या होता है कि कई फिश जो होती हैं वो स्लो ईटर्स होती हैं, जैसे एंजल्स होगी डिस्कस होगी, सो ये थोड़ा इजीली हल्के हल्के खाती हैं, बॉटम से उठा के खाती हैं, जो फूड सिंक हो रहा होता है फ्लोट हो रहा होता है उसको खाती हैं। सो आपको ऑब्जर्व करना है कि 2 मिनट में खा रही हैं, हो सकता है 3 मिनट में खाएं, हो सकता है within 1 मिनट खा लें। सो बट स्टिल यू हैव टू चेक, आपको ये ओवर फीडिंग नहीं करना है, अंडर फीडिंग चलेगा लेकिन ओवर फीडिंग नहीं चलना है। तो आपको ये बहुत ध्यान देना है कि अगर आपको लगता है कि आपके फिश 3 छोटे पायलट्स खाती हैं तो आप उसको 2 दे दें, लेकिन 2 के 4 मत करें। सो मेक श्योर दैट। सो बेसिकली गाइज, ये हमारे मार्केट फूड्स हो गए। मार्केट फूड्स के अलावा भी कुछ फूड है जो मैं अपनी फिशेस को देता हूँ, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। बाकी किस तरह से किस फिश को
फूड देना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, हाउ आई यूजली डू इट फॉर माई फिश। सो इसमें ये भी है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इसको कॉम्बो में बना के डालता हूँ और कैसे डालता हूँ। बाइट्स है तो ये मेरे सिंकिंग पायलट्स है, बट फिर भी इसको मैं थोड़ा सा क्रश करके ही डालता हूँ। तो आप ये देखिए मैं इसको क्रश कर देता हूँ। सिमिलर ये जो है मेरा ऑप्टिमा है, ऑप्टिमा में भी मैं इसको भी मैं क्रश करके ही डालता हूँ। वैसे ये छोटे पायलट्स हैं बट फिर भी मैं इसको क्रश करके डालता हूँ, बिकॉज मेरे पास मल्टीपल वेराइटी है। सो ये होता क्या है कि आई वॉन्ट कि ईच एंड एवरी फिश गेट हिज फूड। तो ये मैं इस तरह से करके डालता हूँ, ये मेरे डेली बेसिस का है, डेली ही मैं ऐसे करता हूँ। तो एंड देन थर्ड थिंग इज जो है मैं इसमें थोड़े से ये फ्लेक्स भी ऐड कर देता हूँ हल्के से। तो मेरा फूड ये है रेडी हो गया है, तो ये फूड मैं अपने फिशेस को डाल दूँगा। तो देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट सारी फिशेस को फूड मिल जाता है, और लास्ट में जो है ये मेरा जो एलजी वेफर्स है ये मैं ऐड करता हूँ। इसको मैं थोड़ा छोटी क्वांटिटी में करता हूँ क्योंकि ये ऐसे करके कुछ पीसेस करके जैसे मैंने आपको बताया था कि एलजी वेफर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे जो एलजी ईटर्स हैं वो खाते हैं, बट इस मेरे जो फिशेज हैं दे ऑल्सो ट्राई टू मंच ऑन इट। तो एंड मेरी सारी फिशेज जो हैं, मैं जो आपको फूड दिखाया दे लाइक दिस फूड, तो इसके अलावा मैं और कोई फूड जो देता हूँ वो होम फूड देता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से मैं इनको और क्या क्या देता हूँ। ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये मेरे ये बेसिकली डॉक्टर फिश है। ये देखिए तो हाउ दे आर ईटिंग दिस पायलट्स। ये देखो ये रेनबो फिश भी पहुँच गई है। एक वो बैक साइड में है, तो गाइज आपने देखा मैंने अपने फिशेस को किस तरीके से फीड किया। सो ये कम्युनिटी टैंक था इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीपल फूड्स जो है वो यूज़ किया। अगर आपका टैंक है जो फॉर एग्जांपल खाली सिकलेट वैरायटी है या गोल्ड फिश है, सो कोई डेडिकेटेड टूवर्ड्स एनी स्पीशी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी फूड दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं और क्या क्या करता हूँ जब देर इज एक दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं है रैंडमली एनी समडे आई यूजली स्किप देयर फूड। सो अगर वीक में 7 days हैं तो किसी भी एक दिन मैं उसका फूड स्किप करता ही करता हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर टू मोर फूड्स विच आई फीड देम। अब आप पूछेंगे वो क्या है। जो पहला है वो है मेरे पीस, जो है मैं हल्का सा पीस को बॉइल करता हूँ माइक्रोवेव में 30 seconds के लिए या 1 minute के लिए बॉइल करने के बाद, उसको जो पिल ऑफ करने के बाद उसका मैश बना के मैं अपने फिशेस को देता हूँ। उसका रीज़न ये है जो पीस हैं वो लाइट होते हैं और वो जो भी बेसिकली एक तरह से लाइट फूड रहता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव करता है। तो इसीलिए मैं वो वीक में या 10 days में जैसे भी जब भी मेरे को आई फील लाइक तो आई फीड देम। जैसे जिस दिन मैंने स्किप किया या तो उसके अगले दिन कर देता हूँ, या फिर जब रेगुलरली वीक तक मैं उनको फीड कर रहा हूँ, कभी भी एक रैंडमली देर इज़ नो स्पेसिफिक डे एंड टाइम, बट
आई वुड से वीक में एक बार या दो वीक में एक बार मैं उनको फीड करता हूँ। जो सेकंड है वो बेसिकली है गार्लिक। अब रही बात गार्लिक फीड करने की, तो गार्लिक जो मैं फीड करता हूँ, आई हैव सीन मैनी पीपल वो क्या करते हैं कि गार्लिक का पेस्ट निकाल के, मतलब उसका जूस निकाल के फूड में ऐड करते हैं, बट मैंने वो काफ़ी बार ट्राई किया तो आई डिडंट फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने क्या किया, जो गार्लिक है उसका पेस्ट बना देता हूँ। गार्लिक का पेस्ट बनाने के बाद उसमें जो ऑप्टिमा है या जो भी आप फूड यूज़ करना चाहते हो, वैसे मैं ऑप्टिमा यूज़ करता हूँ, तो मैं ऑप्टिमा उसमें डाल देता हूँ। तो वो ऑप्टिमा जो है गार्लिक ऑब्जॉर्व कर लेता है जो भी उसका होता है। उसके बाद एक दिन दो दिन मैं उसको ड्राई होने के लिए रख देता हूँ और उसके बाद मैं उसको फिल्टर आउट कर लेता हूँ। तो बेसिकली वो ऑप्टिमा होता है, लेकिन ऑप्टिमा में गार्लिक का एक्सट्रैक्ट काफ़ी आ जाता है, तो वो भी मैं यूजली फीड करता हूँ। सो जैसे मैंने आपको बताया, मैं पीस देता हूँ और गार्लिक देता हूँ, और उसके अलावा जो हमारा रेगुलर फूड है वो देता हूँ। तो चार दिन पाँच दिन मैंने फूड दिया, एक दिन स्किप कर दिया, फिर पीस दे दिए, फिर दो दिन तीन दिन दिया, फिर बीच में मैंने उसको गार्लिक दे दिया। तो यूजली मैं इस तरह से करता रहता हूँ। फर्दर आई विल मेक वन मोर वीडियो कि किस तरह से हम फिशेस को फीड करें, जैसे फ्राइज है या बाकी फिशेस हैं डेडिकेटेडली, तो आई विल मेक वन वीडियो फॉर दैट एज वेल। तो भाई ये दो तरीके हैं जो अलग से मैं फीड करता हूँ। इसके अलावा एक टिप है जो आई विल शेयर विद यू, सो मॉस्किटो लावास। देखो मेरे लोकल में एक्चुअली कोई और बीफ जो अपना लाइव फूड है वो अवेलेबल नहीं है, तो जो मॉस्किटो लावास है वो मैं थोड़ा इजीली फिर भी कर लेता हूँ। सो मॉस्किटो लावास के लिए क्या करता हूँ, मैं एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेता हूँ और उसको मैं बाहर रख देता हूँ ओपन में। तो 5 से 6 दिन बाद आई यूजली फाइंड उसमें कुछ जो मॉस्किटो लावास हैं वो मुझे मिल जाते हैं, तो वो मैं उनको निकाल के अपनी फिशेस को फीड करता हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड सी यू अगेन देन। थैंक यू वेरी मच।